नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य के कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर, अस्थायी कर्मी, संविदा वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देश के कर्मचारी ताजा समाचार हैं। कर्मियों को काम पूरा ना होने पर भी मिलेगा पूरा वेतन। देश के सभी कर्मचारी मजदूर वर्ग देखें और यदि आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अस्थायी कर्मियों को काम ना होने पर भी मिलेगा पूरा वेतन। कोरोना से प्रभावित दिहाड़ी मजदूर एवं गरीबों को राहत देने के लिए सरकार ने दो फैसले किए हैं। सरकारी महकमों में ठेके या दिहाड़ी के रूप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बिना काम के भी वेतन मिलते रहेंगे। इसके अलावा गरीबों को 3 माह का राशन मुहैया कराए जाने के लिए राज्य सरकारें केंद्र से उधार में अनाज ले सकेंगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में ठेके पर या दिहाड़ी आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक बिना काम के भी वेतन दिए जाएंगे। सरकारी विभागों में हाउसकीपिंग के साथ सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं जो ठेके पर काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की घोषणा के बाद ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी कार्यालय आने से मना कर दिया गया है। स्थिति और गंभीर हुई तो निकट भविष्य में भी उन्हें काम पर नहीं बुलाया जाएगा, परंतु ये कर्मचारी ऑन ड्यूटी समझे जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन सभी कर्मचारियों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। यह निर्देश 30 अप्रैल तक प्रभावी माना जाएगा। वित्त मंत्रालय के दूसरे फैसले से राज्य आसानी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को 3-3 महीने का अनाज दे सकेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को 3-3 माह का राशन वितरण करने के लिए कहा था।